आज मैं ये वीडियो पे बात करने वाली हूँ एक नया अनाउंसमेंट जो कि आया है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के तरफ से, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं मेरे साथ ये वीडियो पे। हे हेलो, वेलकम टू माय चैनल दुबई देसी। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल से पढ़ के पता कर ही लिया होगा आज का टॉपिक किसके बारे में है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने जो नया रूल निकाला है जिसमें बताया गया है कि जो भी रेसिडेंट है उनको रजिस्टर करना होगा दुबई रेस्ट ऐप में, जिसमें अपडेट करना होगा कि आप किसके साथ यहाँ पे रहते हो, चाहे आप फैमिली मेंबर के साथ रहो या फिर शेयरिंग अपार्टमेंट पे रहो या फिर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, तो उनके सारे डिटेल्स आपको अपडेट करना होगा दुबई रेस्ट ऐप में। दुबई लैंड डिपार्टमेंट से ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा किसी के साथ भी रूम शेयर करते हो तो आपको वो डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा दुबई रेस्ट ऐप में। अगर आप कोई ऐसे शेयरिंग अपार्टमेंट पे रहते हो जो मेन टेनेंट जिसके नाम पे आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और ऑक्यूपेंसी ऑप्शन में जिसके साथ आप रहते हो उनके डिटेल्स आपको अपडेट करना पड़ेगा और मेंशन भी करना होगा आप कितने मेंबर के साथ रहते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या क्या चीज़ चाहिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ये चीज़ लगेगा, जो जिसके साथ आप रहते हो उनका नाम आपको चाहिए होगा, और जो दूसरा चीज़ आपको चाहिए वो है उनके एमिरेट्स आईडी का नंबर। अगर उनके पास एमिरेट्स आईडी ना रहे तो उनके पासपोर्ट नंबर आप डाल सकते हो। अथॉरिटी का ये कहना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप डॉक्यूमेंट ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो मैंडेटरी हो गया है अब यूएई में या फिर दुबई में कह लीजिए स्पेसिफिकली। आप आपके साथ जो भी लोग रहते हो उनके सारे डिटेल्स आपको दुबई रेस्ट ऐप में अपडेट करना होगा, चाहे जो मेन जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबका नाम ना हो तो भी चलेगा, ऐसा कहा गया है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के तरफ से। ये इसी के लिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एक नया रिकॉर्ड बनाना चाह रही है कि कितने लोग यहाँ एमिरेट्स में रहते हैं। ये जो नया रूल निकाला है दुबई लैंड डिपार्टमेंट से वो नोटिफाई किया गया था September 23 को। सब ओनर, डेवलपर, प्रॉपर्टी मैनेजर या फिर जो यहाँ पे किराए पर रहते हैं टेनेंट्स उनको, और गवर्नमेंट के तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोसीजर है वो पूरा आपको within 2 weeks कंप्लीट करना होगा। मैंने मेरे एक और वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है आप कैसे दुबई रेस्ट ऐप में अपडेट कर सकते हो अपना डिटेल्स या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। काइंडली वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है तो। मैं वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये थे जो आज के अपडेट। अगर आपको मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो काइंडली ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।